मिर्च की खेती। मिर्च में बारिश एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, तो क्या मिर्च में बारिश को रोका जा सकता है? क्योंकि बारिश की कोई भी 100% रिजल्ट देने वाली रासायनिक दवाई अभी तक तो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाजार में एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उपलब्ध है जो बारिश पर काफ़ी अच्छा काम करता है। तो उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स एवं प्रयोग के साथ साथ कीमत, डोज, अवधि, आप कहाँ से खरीद सकते हैं एवं कितने दिनों पर हमको स्प्रे करने के बाद रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही वायरस क्या है, कैसे आता है एवं इसकी पहचान और रोकथाम। मिर्च में कहीं कहीं पत्ते मरोड़िया रोग दिखे या फिर माइट्स और थ्रिप्स दिखे तो उसका 100% आपको रिजल्ट कैसे प्राप्त हो सकता है? तो इन सभी समस्याओं का समाधान मिर्च की फसल पर चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें एवं कौन सी ऑर्गेनिक दवाई है लाइव रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और भाई आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वायरस क्या है। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 3 प्रकार होते हैं, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस। अब वायरस, जिसे हम हिंदी पर विषाणु के नाम से भी जानते हैं, वायरस को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वायरस के लक्षण को आप साफ साफ प्लांट्स पर देख सकते हैं जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं। यह है वायरस का प्रकोप। मिर्च की फसल पर वायरस कई प्रकार के आते हैं, जैसे लीफ कर्ल वायरस, येलो लीफ कर्ल वायरस, मोज़ेक वायरस, येलो मोज़ेक वायरस, साथ ही लीफ रोल वायरस और विल्ट वायरस जैसी समस्या देखने के लिए मिलती हैं। वायरस प्रकोप से फसल बर्बाद, ग्रोथ, वढ़वार, विकास, उपज और फल फूल काफ़ी कम मात्रा पर आते हैं, जिससे लागत तक निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि वायरस की पहचान हमको किस प्रकार करनी है। कि पत्ते यदि नीचे साइड झुक रहे हैं तो क्या वायरस है या फिर माइट्स है या फिर थ्रिप्स है, और पत्ते कहीं ऊपर की ओर झुक रहे हैं तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि वायरस है, थ्रिप्स है या फिर माइट्स है? तो कृपया ध्यान दीजिए, पत्तियां जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने में असमर्थ हों और पत्तियों पर खिंचाव नजर आए और साथ ही पत्तियाँ ऊपर की ओर झुकें तो यह वायरस है, और जब मिर्च की पत्तियां नीचे की ओर झुकें तो समझ लीजिए थ्रिप्स या फिर माइट्स का प्रकोप है। ध्यान रहे थ्रिप्स और वायरस पर कंफ्यूज ना हो, थ्रिप्स एक सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीट है। आइए समझते हैं मिर्च पर वायरस कैसे आता है। कुछ वैरायटी ही ऐसी होती हैं जिन पर काफ़ी बड़ी मात्रा पर वायरस आता है, इसलिए आपको रेजिस्टेंस वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। नर्सरी या फिर पौधशाला से भी वायरस आता है। नेमेटोड्स, जिसे हम हिंदी पर सूत्रकृमि बोलते हैं, नेमेटोड्स के प्रकोप के कारण भी वायरस तीव्र गति से फैलता है। मिट्टी में फफूंदी जनित फंगस के कॉम्प्लेक्स से भी वायरस फैलता है। यदि आप प्रॉपर सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स के प्रॉपर स्प्रे नहीं लेते हैं तो वायरस आने के या फिर फैलने के और भी चांस बढ़ जाते हैं। एक खेत से दूसरे खेत पर भी बहुत ही तीव्र गति से वायरस फैलता है, इसीलिए खेत के चारों तरफ ग्रीन नेट खींचनी चाहिए। खरपतवार का जमाव ना होने दें, खेत पर चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं मिर्च की फसल पर वायरस फैलता कैसे है। सफ़ेद मक्खी मिर्च का सबसे बड़ा दुश्मन है वाइट फ्लाई, जो कि एक पौधे से दूसरे ग्रसित पौधे में बैठती है, जिससे विषाणु यानी वायरस तीव्र गति से ट्रांसमिशन होता है। इसलिए सफ़ेद मक्खी के प्रॉपर आपको छिड़काव लेने हैं एवं फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं, येलो और ब्लू, जिससे कम लागत पर, कम खर्च पर रस चूसक कीटों को आप आसानी से नियंत्रण कर सकें। पौधों का जो डिस्टेंस होता है पास पास में पौधे लगाने से भी वायरस तीव्र गति से फैलता है, इसलिए मिर्च की फसल जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हों तो आपको सिंगल लाइन पर ही प्लांटेशन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, नियंत्रण और रोकथाम। हम स्प्रे करने वाले हैं ऑर्गेनिक दवाई। कटरा फर्टिलाइजर्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की जो लाइजो रस आती है और मेटीसाइड्स आती है, इसका स्प्रे हम करने वाले हैं। लाइजो रस वायरस और बैक्टीरिया साइड है, वहीं मेटीसाइड मकड़ी के लिए एक ऑर्गेनिक दवाई है जो कि मकड़ी
मूंगफली के साथ साथ थ्रिप्स की रोकथाम करती है, जो कि बॉटनिकल फॉर्मुलेशन पर आधारित है एवं नीम ऑयल के साथ साथ अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम स्प्रे करने वाले हैं लाइजुरस प्लस मीटीसाइड्स। मिर्च की फसल पर डोज प्रति एकड़ की दर से, तो जो घोल है किस प्रकार हमको तैयार करना है यह विषय काफ़ी ध्यान देने योग्य है। तो सर्वप्रथम हमको एक टंकी लेनी है और उस टंकी पर 100 लीटर पानी लेना है, और जो लाइजुरस का पैक आता है एक्टिवेटर प्लस लाइजुरस, तो 50 ml एक्टिवेटर पर 1 ग्राम की जो लाइजुरस की डिब्बी आती है पाउडर फॉर्म में, उसको ठीक तरीके से हमको मिला लेना है। और यह जो घोल है वायरस और बैक्टीरिया दोनों पर काम करने वाला है। यह अलग अलग पैक में होते हैं जो कि मिक्स करते ही बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। ठीक तरीके से हमको मिला लेना है, उसके बाद हमको पानी पर इसको ठीक तरीके से घोल देना है। और हम इसके साथ मिक्स कर रहे हैं मकड़ी नाशक मीटीसाइड्स को, जो कि 100 लीटर पानी में 250 ml मिक्स करना है, जो कि मकड़ी की भी रोकथाम करेगी और साथ ही थ्रिप्स पर भी काफ़ी अच्छा काम करेगी। ठीक तरीके से हम इसको घोल लेते हैं। इन ऑर्गेनिक दवाइयों को ठीक तरीके से मिला लेने के बाद हमारा जो घोल है पूरी तरह छिड़काव के लिए मिर्च की फसल पर तैयार हो चुका है, जो कि 1 एकड़ पर आप छिड़काव कर सकते हैं। अब हम इसका स्प्रे भी करते हैं और लगभग 5-6 दिनों बाद रिजल्ट भी बताएंगे कि रिजल्ट किस प्रकार प्राप्त हुआ। मिर्च की फसल पर दवाई स्प्रे के 6 दिन कंप्लीट हो गए हैं और जो वायरस ग्रसित पौधे थे उन पर जो रिजल्ट आए हैं, जो न्यू पत्तियां निकल रही हैं उसमें काफ़ी सुधार देखने के लिए मिला है, एवं जिन पौधे पर कम वायरस था उसमें भी जो नई पत्तियां न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं, पत्ते एकदम सीधे हैं और वायरस मुक्त हैं। लेकिन जिन पौधों पर वायरस का प्रकोप काफ़ी बड़ी मात्रा पर हो गया था उस पर ऐसा कोई खास फर्क तो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जिन पौधों पर कम वायरस था उनकी जो नई पत्तियां निकल रही हैं वो एकदम पत्ते सीधे हैं और न्यू ब्रांचेस का भी निर्माण हो रहा है। और मिर्च की फसल पर वायरस ही ना आए तो प्रिवेंटिव के रूप में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। और हल्का फुल्का वायरस आ चुका है तब भी आप यदि स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। इसकी कीमत के बारे में बात करें तो लाइजुरस 1 ग्राम प्लस एक्टिवेटर 50 ml की जो कीमत है लगभग 500 रुपये, और जो मीटी साइड्स है जो कि मकड़ी और थ्रिप्स की रोकथाम करती है 250 ml की कीमत 750 रुपये के आसपास है, जो कि 1 एकड़ का खर्च यदि आप मकड़ी नाशक और लाइजुरस को एक साथ स्प्रे करते हैं तो 1250 रुपये के आसपास आपको 1 एकड़ का खर्च आने वाला है, जो कि लीफ कर्ल वायरस, मोज़ेक वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, मकड़ी, थ्रिप्स, रेड माइट्स, येलो माइट्स की रोकथाम करने के लिए काफ़ी कारगर दवाई है जो कि ऑर्गेनिक है। स्प्रे करने की सही स्टेज के बारे में बात करें तो रोग आने पर 10 से 12 दिनों की अंतराल पर आप स्प्रे कर सकते हैं, और यदि आप प्रिवेंटिव के रूप में स्प्रे करना चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट्स हैं 25 दिनों पर, और ठीक इसी प्रकार 15-20 दिनों की अंतराल पर आपको छिड़काव करते रहना चाहिए। अब किसान भाई कॉमेंट्स करेंगे कि हम लाइजुरस और मीटीसाइड्स को खरीदें कहाँ से, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कंपनी का खुद का भी एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है किसान फॉर यू ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अमेजोन फ्लिपकार्ट की तुलना पर कम और सस्ते दामों पर आप एप्लीकेशन के माध्यम से जैसे लाइजुरस है, मीटीसाइड्स है और अन्य कृषि ऑर्गेनिक दवाइयों को भी आप खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आप अन्य किसान भाइयों को रेफरल कोड से ऐप को डाउनलोड कराते हैं तो आप पैसे भी कमा सकते हैं, जिससे आप अन्य पैसों से अन्य प्रोडक्ट को भी खरीद सकते हैं फ्री पर, नियम और शर्तें लागू हैं। तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए और अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें किसान फॉर यू एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और रेफरल कोड भी जरूर डालें। यदि आप मिर्च के किसान हैं तो इस प्रोडक्ट को जरूर स्प्रे करके देखें, बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सावधानी के बारे में, तो जो सावधानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्प्रे करने के 1 दिन पहले एवं
दो दिनों बाद तक कोई भी रासायनिक दवाइयों को आपको स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे आपको अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम टाइम करना है। एक और सीक्रेट, सुबह टाइम आप पानी चलाएं और शाम टाइम आप स्प्रे कर दें और भी बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर मिर्च की फसल पर जो मरोड़िया रोग आता है, जो वायरस आता है, इसकी रोकथाम करने के लिए हमने शानदार ऑर्गेनिक दवाई के बारे में बताया, लाइजोरस। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। धन्यवाद एंड नमस्कार।